राजेश बाजिया अपना नीमका थाना पर थारो घणु घणु स्वागत करू छू। आज आप आया जा नीमका थाना से 13 किलोमीटर दूर बालेसर धाम पर जो एक शिव जी को मंदिर है अड़िया को ऐतिहासिक पौराणिक कहानियों से भी बात जुड़ी हुई है। तो आज आप मंदिर में चलांगा इतिहास स्थान का बारे में आप पूछांगा अड़िया का पुजारिया से लोग से कि यो मंदिर क्या प्रसिद्ध है और कब से यो मंदिर बनेड़ो जे। आज सावण को पहलो सोमवार है सन 2022 को जो बहुत सा श्रद्धालु आज बालेसर धाम पर शिव जी की पूजा अर्चना करवा के लिए आएड़ा जी। अभी आप देखा कि कितना श्रद्धालु आएड़ा जी और कड़िया कड़िया से श्रद्धालु आओ है। उसके बाद मैं जागा बाबा से भी मिलांगा अड़िया पुजारी से भी मिलांगा। सावण को पहले सोमवार जे बहुत सा श्रद्धालु दूर दूर से आएड़ा है। लाइन लगी हुई है कतार में लाइन लाग रही है। लोगों ने मौको पर मिल जो जब आप बहुत सारी भीड़ जे और हर साल हर वर्ष कई वर्षा से हर सोमवार में अरे बहुत सारी भीड़ आवे जे लोग पूजा अर्चना करी जे अब मन्नत मांगी जे। बालेसर धाम पर आज देखो कितनी भीड़ है हर साल की भांति अड़े बहुत सारा पुजारी हुए हैं। नंबर ही कोने आ रहे जय शिव जी की भक्ति बहुत लोग अच्छी तरीके से करे जी पुजारी बहुत एक एक शब्द वालन जल्दी से जल्दी निकाल रहे हैं कि दूसरा को नंबर भी आवे। शिव जी को ऐतिहासिक स्थल है देखो। आज अब बालेसर धाम का पुजारी जी है पूर्जल जी योगी जी मैंने पूछागा स्थान के बारे में कि अड़े शिवलिंग कड़ा निकले जो समाधि का इतिहास के बारे में थोड़ा सा आप अंत बताऊंगा और सोमवार में और हर साउंड में कितनी भीड़ लागे थे साल भर कतरा पुजारी आऊँ जी मैं कहताऊँ जी। बाबा जी से बात करी वे ई मंदिर का इतिहास का बारे में बतायो कि बालेसर को इतिहास के जे शिवलिंग कैसे निकली जी। अरे महाराज जी कह रहे जे कि अड़े कुमार माटी खोद रहे हो जो तुम माटी खोदी तो एक पत्थर दिखाई दियो तो अंदर से आवाज़ आई कि मेरा सिर मना फोड़े मेरा सिर न मना फोड़े। तो फिर और लोगों ने वो बुलाया और लोग आया फिर वे देखा तो पत्थर मायने गहरो टेढ़ो पत्थर अड़े दिखाई दियो जो आज अड़े शिव इमें स्थित है वो शिवलिंग वो पत्थर ही हो तो वो कुमारा ने अड़े मिलो जो खुदाई के टेम पर। गार्डिन पूजा पाठ चाह रहे हो जिसका बारा में यह है कि कोई काल सर्प दोष वे या कोई का और समस्या वे पितरा ही कोई समस्या वे तो सावण का सोमवार ने और खासकर आज नाग पंचमी जे तो पूजा पाठ करवाड़ा लोग बैठे जे पूजा पाठ करवा रहे जे आके कोई दोष से कोई काल सर्प कोई पितर दोष वो पूरा हो जाए। तो हर सोमवार ने और सावण में खासकर बालेसर धाम पर लोग दूर दूर से आऊँ जे पंडित आऊँ जे साथ में और वे अड़े पूजा पाठ कराऊँ जे कि आपको दोष दूर हुए आने सुख प्राप्त हुए। या अरावली पर्वत माला श्रृंखला जे जो अरावली पर्वत वेदा का मायने भी हर वेद में विष्णु पुराण में भी एक ही बारह में पतो लागे जाए और ये गुल्लर को पेड़ जे जी के मायने पानी निकले जे बारह का मायरा में ना और ये पानी से कोई ना हुए तो बिने ये बोले जी मान्यता से कि शरीर स्वास्थ्य सही रह जाए स्किन की कोई बीमारी में बात चली जाए जे गुलर का पेड़ में हमेशा पानी बेहतर हो जाए तो सारा श्रद्धालु हर साल 12 महीना खासकर श्रावण में तो सोच ज़्यादा नाभा हूँ जेड़े और ये जो पेड़ है इनकी मान्यता वापस बता रहे हूँ इनकी मान्यता है कि जो भी बीमारी हुए जे कोई आ रही बीमारी जे कोई स्वास्थ्य संबंधित बीमारी है ये पानी ना भसूँ वह बीमारी दूर जाए जे ये चारों तरफ अरावली पर्वत से और अरावली पर्वत के बारे में बहुत फेमस है कि यो विष्णु पुराण में और वेदांग मायने के बारे में देख रखी जे कि यो अत्रो एक अत्रि ऋषि अड़े पूजा करता और बाको यो स्थान है। सारा साउंड में अड़े मेलो भी लागे जी महिला पुरुष और टाबर जना चीज़ खरीद पाऊँ जो मेला का मायने
कई टापर तो ये चाहो मैं आऊँ माँ के साथ के मेला में मैं तो शिव जिम जाएंगा और मेरे चीज खरीदांगा खिलौना खाऊंगा थोड़े मेड़ो भी बहुत लाभ कर पूरे साउंड भर बलेश्वर मंदिर में। ये देखो खड़े हो, खड़े हो जाओ, हाँ, हाँ ले, वो नाग देवता कड़े सु ले रहा है जो, कड़े सु ले रहा है जो कि, अच्छा, तो साउंड में ज्यादा रखो जो कि ना, हाँ, फिर आजाद कर दिया, कड़े का जोर है बड़ा, कड़े का जीर की चौकी का, काल भी लिया होगे, काल भी लिया, काल भी लिया का बेचा, तो इन्हें छोड़ो का कर दे छोड़ देंगे आज शाम ने छोड़ आज शाम ने छोड़ देगा आज शाम ने छोड़ देंगे सर्प देवता नाग देवता ने पकड़ रहा है नाग पंचमी है लोग पूजा करवा रहे हैं जय हो जय हो जय हो छोड़ देंगे जय हो।